खबरों की शुरुआत करद वड्डी खबर तो पंजाब सरकार दे मंत्री मंडल दा विस्तार जल्द ही होएगा। इसे महीने पंजाब कैबिनेट दा विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली आम आदमी पार्टी यानी कि आप सरकार दे विच 6 नवे मंत्री शामिल किए जाएंगे। इन्हां दे विचों 2 मंत्री ओ होणगे जो दूजी वार विधायक चुन के आए ने। इन्हां विचों अमन अरोड़ा, प्रोफेसर बलजिंदर कौर अते सरबजीत कौर माणूके बुद्धराम मंत्री अहुदे की दौड़ दे विच ने। इन्हां तों इलावा मौजूदा कैबिनेट मंत्रियों की कारगुजारी भी वेखी जा रही है अते उन्हां दे विभाग भी बदले जा सकते ने। मंत्री मंडल विस्थार दे विच एक महिला विधायक नूं थां मिल सकती है जिस दे विच सरबजीत कौर माणूके, बलजिंदर कौर, नीना मित्तल, अनमोल गगन मान, इंद्रजीत कौर शामिल ने। पटियाला लुधियाना तो बारले 3 मंत्री बनाए जा सकते ने। इस तो इलावा 1 मंत्री की छुट्टी हो सकती है अते 2 या 3 मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते ने। अज पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक होने लई पहुंचे। इस मौके जिथे उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे मत्था टेकिया उथे परिवार की चढ़ती कला वास्ते रखवाए श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग मौके विशेष तौर ते हाजरी भरी। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदिआं भुल्लर ने कहा कि पंजाब विच आप दी सरकार बनन नाल लोकां नूं दित्तियां हर तरह दीआं गरंटियां पूरियां हो रहीआं ने। जल्द ही पंजाब दा खजाना भर के उस नूं पहला वांग लीहा ते लिया जाएगा। भुल्लर ने कहा कि पंजाब दे ट्रांसपोर्ट महकमे ने 104% मालिया वधा के दिखाया ते आने वाले समय दे विच पंजाब दे मालिया दे विच ट्रांसपोर्ट महकमे दा वड्डा योगदान वेखण नूं मिलेगा। अज गुरु रामदास जी दे पावन पवित्र स्थान श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक होण आए आ। गुरु महाराज दा ऊट आसरा लिया ते साडी आम आदमी पार्टी की सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत वधिया वधिया काम कर रही है ते अज दास इत्थे ओट आसरा लैण लई आया तां जो असी जिहड़े काम कर रहे हां उहनां दे विच जिहड़ियां इह रवायती पार्टियां आपां तुसीं वी वेख्या विधानसभा दे विच सानूं 3 महीनिआं दे विच कहिंदे कि टाइम बाउंड करो कदों इह काम करोगी कदों इह काम। वेखो लम्मा समां इह रवायती पार्टियां सरकारां च रहीआं ते इहनां आप ते कुछ कीता नहीं। असीं काम भी करांगे ते जिहड़ा पंजाब सिर इन्हां ने करजा चाढ़िया रवायती पार्टियां ने साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार सरदार भगवंत सिंह मान जी बड़े सूझवान ते निधड़क जरनैल ने। वो पंजाब सिर जिहड़ा करजा चढ़िया वह भी लाउणगे ते पंजाब नूं मुड़ धौलियां ते लैके आउणगे। जिन्नियां गरंटियां दित्तियां वह जिहड़ी फ्री बिजली 364 की माफ़ी वाली हरेक वर्ग नूं वो 1 तरीक तो लागू कर दी गई। इस तरह ही जिन्नियां दूजियां गरंटियां वो जो क्या वो जल्दी लागू किया जाएगा। तो साडे नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी सरदार भगवंत सिंह मान जी वो गल ही उन्नी क करते जिनी उन्हें पूरी कर देनी है। ये रवायती पार्टियां ये सुपने विखाते रहे लोगों को वादे करते रहे पर जो सरकार बन जाएंगी लोगों की धौन से गोडा रख लेना लुट्टन तो कुट्टन तो सिवा कुछ नहीं करना। तो परमात्मा की कृपा सच्चे पातशाह की चंगे काम कर रही है सरकार ते लोग सरदार भगवंत सिंह मान की शलाघा भी कर रहे हैं। एक चिट्ठी सामने आई है कि PRTC बसा जड़िया वा वे तो जड़िया जरनैल सिंह जी जड़िया तस्वीर जो होर जुजारू सिंह तस्वीर जड़िया लाइया जा रही हैं विभाग वालों इस तरीके की कोई चिट्ठी जारी की नहीं? कोई यहोजी चिट्ठी नहीं ना तो कोई मेरी नॉलेज है तो ना कोई यहोजी चिट्ठी आ। ये सिर्फ ये जड़िया रवायती पार्टियां प्रोपोगेंडे कर दियाँ जान बुझ के गुमराह कौन प्रचार करने आ। हुण जिहड़ी संगरूर विखे चोण हुई आ जिमनी चोण हुई आ उहदे विच ही तुसीं वेख लिया इन्हां दोवां रवायती पार्टियां अकाली दल BJP की भी विचे गल कर लो कांग्रेस की गल कर लो इन्हां दीआं जमानतां जब्त हुईआं लोक इन्हां तों नफरत करन लग पए आ। इन्हां दा वोट बैंक वेखो कित्थे आ गया कित्थे इह पार्टियां कित्थे राज करन वालीआं पार्टियां ते अज उहनां दीआं जमानतां जब्त हो रहीआं। पंजाब लोक कांग्रेस ते भाजपा दा रलेवां मचा रहे किस तरीके नाल ਕਿੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਬਸਪਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ BJP ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਰਸ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ
करके पंजाब दे विच मूंगी दी फसल ते सरकारी भा दिता गया तो वह भी 7275 रुपए जिहड़ा कि बड़ा वड्डा तोहफा पंजाब दे किसानां नूं पंजाबियां नूं ते जिन्नी राशि जारी की गई आदि बाद जे होर मूंगी की फसल वध होगी तो वो भी खरीद की जाएगी जिहड़ी महकमे के मापदंडा के अनुसार पूरी नहीं उतरती मूंगी की फसल सिर्फ वह भावें रह जाए नहीं तो बाकी जिहड़ी वधिया क्वालिटी की मूंगी की फसल आ जो महकमे के मापदंड ने उन्होंने पूरी उतरती है तो वह मूंगी की खरीद की जाती है सरकारी भाव भी मिल रहा देखो एम एस पी जिथे नहीं मिल रही उत्थे कितना कितने वो मापदंडा से जां दाणा बरीक होगा जां दाणे दे विच कोई कमी होगी जां टोटा होगा तां नहीं मिल रही जिहड़ी पूरे मापदंड पूरे ने मूंगी की वधिया फसल उत्थे सरकारी एम एस पी मिल रही है देखो वो अगे भी कई बार गल हो चुकी है कि जिहड़ा मटीरियल वरत्या गया जिहड़ियां 825 बसां मगरले 3 महीनिया दे विच कांग्रेस सरकार दे वेले पाईआं बिल्कुल घटिया मटीरियल वरत्या गया तो उहदी जिहड़ी आ उह जांच चल रही आ जिन्हें कंपनी ने घटिया मटीरियल वरत्या होगा जां कोई भी दोषी होगा उत्ते बनदी कारवाई होगी। देखो जो भी कानून आपके हाथ रहेगा भावें कोई टिप्पर ओवरलोड जाता जां ट्रक जाता जां बसां ओवरलोड जांदियां असी आर टी ए साहबान जिहड़े साडे जी एम आ उन्हां नूं निर्देश कीते आ कि जिहड़ा भी गलत काम करदा उसे ते बनदी कानूनी कार्रवाई होगी। पिछले 3 महीनों के तुसां आप ही वेख्या होना 104% जिहड़ा ट्रांसपोर्ट महकमे का मालिया वध गया डबल हो गया दुगना हो गया तो आने वाले दिनों साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी साडे नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी बड़े सियाने ते सूझवान ने जिहड़ी वोल्वो बसां दिल्ली एयरपोर्ट ते जांदियां सन जिहड़े साडे NRI भैणां भरावां दी बड़े चिर दी मंग सी जिहड़े साडे पंजाबियां दी बड़े चिर दी मंग सी वह भी शुरू करतीआं उत्तों भी आमदन वध रही आ ते जिहड़ियां साडियां ट्रांसपोर्ट विभाग दीआं PRTC दीआं जां रोडवेज दीआं पनबस दीआं बसां उन्हां दी भी आमदन भी अगे नालों दुगनी हो गई आउण वाले समें च यह ट्रांसपोर्ट विभाग जिहड़ा कदे रेवन्यू च बड़ा वड्डा योगदान पाउंदा है पंजाब नूं चलाउण च इह फिर तों रेवन्यू उसे तरह वधेगा ते पंजाब मुड़ तौलियां ते होवेगा। पंजाब दे DGP VK पावरा ने 3 महीनियां लई छुट्टी ते जाण लई अर्जी दित्ती है जिसनूं मुख्यमंत्री मान ने मंजूर कर लिया है। DGP पावरा 5 जुलाई तो छुट्टी ते जाणगे छेती पंजाब दे नवें DGP दा ऐलान हो सकदा है। कई सीनियर IPS अधिकारी नवें DGP दी दौड़ विच ने इन्हां विच STF दे DGP हरप्रीत सिंह सिद्धू DGP प्रशासन अते मुख्यमंत्री दे विशेष प्रमुख सकत्तर गौरव यादव DGP सुरक्षा शरद सतिया चौहान अते विशेष DGP संजीव कालरा दे नां प्रमुख ने। अमृतसर विजिलेंस बॉर्डर रेंज अधीन आउंदे 2 जिलों विच बतौर ड्रग इंस्पैक्टर तैनात बबलीन कौर नूं जेल भेज दिता गया है। विजिलेंस टीम ने महिला ड्रग इंस्पैक्टर नूं गिरफ्तार करके भ्रिष्टाचार दे दोषां दे तहत अपराधिक मामला दर्ज कर लिया सी। इस तों बाद अदालत दे वल्लों मुलजम दा रिमांड दिता गया जिस दा समां खत्म होण तों बाद अदालत ने विजिलेंस नूं बबलीन कौर नूं होर रिमांड दिते बिना जेल भेजण दे निर्देश दिते। दस दईए कि महिला अधिकारी ते पठानकोट दे मामून इलाके दे विच अरुण शर्मा नां दे व्यक्ति नूं मेडिकल स्टोर दा लाइसेंस देण तों इनकार करन दा दोष सी। जदों शिकायतकर्ता ने इस दा कारण पुछया तां उसने कहा कि इस मामले दे विच राकेश कुमार नाल गल कीती जावे। इस काम दे लई 1 लाख रुपए रिश्वत दी मांग कीती गई सी पर लाइसेंसी अरुण शर्मा इन्ने पैसे देण नूं तैयार नहीं सी। पंजाब च आम आदमी पार्टी यानी कि आप सरकार ने मुफ्त बिजली देन दा अपना सब तो वड्डा चोन वादा आज पूरा कर दिता है। मान सरकार ने 1 जुलाई तो पंजाब दे लोकां नूं हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दा लाभ देना शुरू कर दिता गया है। मार्च दे विच इतिहासिक बहुमत दे नाल सरकार बनाउण तों कुछ दिन बाद ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अप्रैल 2022 दे विच ऐलान कीता सी कि साडी सरकार जुलाई 2022 दी पहली तरीक तों पंजाबियां नूं मुफ्त बिजली दी सहूलत प्रदान करेगी। पिछले साल चोणां तों पहलां आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर अते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दे लोकां नूं अपनी पहली गारंटी दित्ती सी कि जेकर सूबे दे विच उहनां दी पार्टी दी सरकार बनदी है तां हर परिवार नूं 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। उहनां कहा सी कि आपदी सरकार दे विच पंजाब दे आम लोकां नूं महंगी बिजली अते वड्डे बिलां तों छुटकारा मिलेगा। मैनूं इह दसदिआं बहुत खुशी हो रही है कि जो असीं गारंटी दित्ती सी 300 यूनिट पर मंथ फ्री बिजली दी वो अज 1 जुलाई तो शुरू हो गई है। तो मैं पंजाबियों इस गल की बधाई देनी चाहना
कि जे नीयत सच्ची होवे तां काम सारे ठीक होंदे ने। ते अज तो बाद जो तुसी बिजली इस्तेमाल करोगे उहदे कोई बिल नहीं होगा, जीरो बिल आऊगा। हाँ, हो सकता है जून का जां मई का कोई पुराना बिल आ जाए, पुराना उहदे बारे मैं ये कहना चाहना, पर जुलाई एक तो बाद जिन्नी भी बिजली इस्तेमाल करोगे थानू कोई बिल नहीं आऊगा। तो एक कन्फ्यूजन जहा फैल गया सीगा, मैंने बहुत सारे लोगों के फोन आए कि असी सिर्फ 2 किलोवाट दे पुराने बिल माफ करते जा, वो बिल्कुल जिहड़ियां अफवाहां तो बचो। 31 दिसंबर तो पहला जिन्ने मर्जी किलोवाट का तुहाडा बिल सीगा वो सारा माफ होगा, चाहे 2 किलोवाट है, 4 किलोवाट है, 5 किलोवाट, उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। 31 दिसंबर तो पिछे वाले सारे बिल जिहड़े पेंडिंग ने वो माफ होणगे। बहुत वड्डा फैसला लिया है पंजाब गवर्नमेंट, उन्हां नू जिहड़ी सहूलत देऊगी पंजाब दे लोकां नू। ते एक मैनू ये दसदिआं बहुत खुशी हो रही है कि झोने वास्ते जो जून दे महीने च बिजली दे कट लगदे हुंदे सी, रौड़ा पैंदा हुंदा सी, 8 घंटे नहीं आउंदी जी, 2-2 घंटियां 4 वारी आउंदी है, इस बार 8 घंटे लगातार भी आई है, कई जगह ते 10 घंटे भी आई है, कई जगह ते 15-20 घंटे भी आई है। सो एक भी शिकायत बिजली दे कट्टां नूं जां घरेलू जां खेतां वाली उन्हूं लैके एक भी शिकायत नहीं आई। जे नीयत सच्ची होवे तां सब कुछ हो सकदा।